हेलो बच्चों बच्चों, आज की हमारी फिर से वर्कशीट जो है वह लिंग की है। लिंग जो बच्चों आपको याद है ना, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब तो आप लोग को अच्छे से आ ही गया होगा कि लिंग होता क्या है। बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें दिया गया है, कोष्टक में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरे। कभी भी बच्चों वर्कशीट में सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब इसमें दिया गया है शिमला का मौसम, बीच में खाली जगह है, फिर उसके बाद है दिया गया। मतलब बच्चों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, पर वो सेंटेंस क्या है? अधूरा है। उसमें एक आपको उस अधूरे शब्द में लिखना है कि इसमें कौन सा लिंग आएगा। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं इस सेंटेंस के बाद यहाँ पर ठंडा और ठंडी लिखा गया है, तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या आएगा। जैसे बच्चों शिमला का मौसम क्या आएगा? ठंडा की ठंडी, ठंडा, वेरी गुड। तो इधर सेंटेंस बनेगा बच्चों, शिमला का मौसम ठंडा है। इसी तरह से बच्चों आपको सारे सेंटेंस पढ़ने हैं और आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा लिंग आएगा, स्त्रीलिंग आएगा कि पुल्लिंग। आपको उस अधूरे शब्द में लिखकर उसे पूरा करना है। थैंक यू बच्चों।